बच्चों के लिए दो चार और बता देते हैं। दाहिने पैर को उठाइए, बाएं पर रख लीजिए, बाएं को उठाइए, दाहिने पर रख लीजिए। बच्चे तो आराम से कर लेते हैं, बच्चों को बचपन में करवाइए ना थोड़ा। ये पद्मासन हो गया, बच्चे तो ऐसे पद्मासन में बैठ के ऊपर भी उठ सकते हैं ऐसे। बोले बाबा कहां से उठाएं, तो बढ़ाया क्यों था? तो पद्मासन, फिर ऐसे पैर मोड़ के बैठना, ये वज्रासन। बच्चों को सिखाइए ऐसे बैठ करके पढ़ा करें, पद्मासन में बैठ के पढ़ें, थोड़ा वज्रासन में बैठ करके पढ़ें। बायां पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, ये सिद्धासन। कुछ भी ना हो तो ऐसे सुखासन, सीधे बैठना सिखाएं, यूं झुक करके नहीं। ये बैठने वाले पोज बता दिए, चलिए खड़े हो जाइए। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ खड़े होकर के करने वाले पोज, बच्चों की एकाग्रता बढ़े और आप सबके लिए भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अच्छे हैं, बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए भी अच्छे हैं। ये बच्चों के लिए कुछ अभ्यास है, बच्चों को करवाइए। इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, उनकी हाइट भी बढ़ेगी। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन के बाद ये भी अभ्यास करा दी। जिन बच्चों का थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा होता है, उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है। जितने भी आसन करते हैं, इससे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत अच्छा होता है और इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है। नीचे आ गए, दोनों हाथ साइड से नीचे। ये हो गया ताड़ासन। बच्चों के लैग्स के स्ट्रेंथन, उनके लैग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है गरुड़ासन। बच्चों को अवश्य कराइए, बड़े भी जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, इससे बैलेंस बनेगा। दाहिने पैर में बाएं पैर को ऐसे फंसाते हैं और बाएं हाथ में दाहिने हाथ को ऐसे, और हाथ से हाथ मिला देते हैं। कुछ बनी बात? अब बाएं में दाएं को फंसा दीजिए। जो योगी बच्चे हैं वो तो छुट्टी के दिन योग करने आ गए हैं, और जो भोगी बच्चे हैं वो पड़े पड़े सो रहे हैं, शवासन कर रहे हैं। सूर्य उदय होने के बाद भी जो सोए रहते हैं उनका भाग्य भी सो जाता है। कुछ बनी बात? एकाग्रता बढ़ती है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बॉडी और माइंड पर कंट्रोल आएगा। फिर दाहिने पैर को उठाइए, बाएं पर लगा दीजिए, ये भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए अच्छा अभ्यास है। ये वृक्षासन बहुत इजी है, एकाग्रता से करना। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, ऊपर प्रणाम की मुद्रा में आ जाए। जिनका मन शांत है ना, उनसे बहुत जल्दी हो जाता। मन को शांत रखिए, एकाग्र रखिए, दिल लगा के, मन लगा के कीजिए ऐसे। दूसरी ओर से भी अब चाहते हैं कि आपके बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाएं, स्टडी में आगे आएं। तो ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए अच्छे अभ्यास है। और योग में दाएं झुकना, बाएं झुकना, आगे झुकना, पीछे झुकना, ऊपर उठना, इससे बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस किया जाता है। तो आपको सीधे खड़े होने वाले अभ्यास तो करा दिए, साइड में झुकते हैं तो ये तिर्यक ताड़ासन हो जाता है ऐसे। तो इसे साइड के जो मसल्स है वो उनका बैलेंस होता है। आप आगे झुकते हैं, देखिए दोनों हाथ ऐसे उठाइए, आगे झुक जाइए, माथा घुटनों से लगाइए, ये पाद हस्तासन।
फिर पीछे झुक जाइए थोड़ा, फिर आगे झुक जाइए, फिर दोनों हाथ ऊपर और पार्श्व भागों से बगल से साइड से नीचे आ गए। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए पाद हस्तासन। ऐसे पीछे झुक जाते हैं तो ये चक्रासन हो जाता है, अर्ध चक्रासन, ये तो सभी करते हैं। फिर वापस आ जाते हैं सहजता के साथ। तो ये हो गया अर्ध चक्रासन। पूरे चक्रासन में तो बच्चे तो खड़े खड़े ऐसे पीछे झुक जाते हैं, किया आपने? मैंने देखा नहीं था, रहने दो। पीछे झुकना खड़े खड़े थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे तो बहुत आगे पीछे झुकना क्या हो, तुम बहुत एनर्जी होती है उनमें, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चलिए, बच्चों वाला काम पूरा हो गया।